दरबार में सन्नाटा है अमर सिंह के नाम से, कोई भी हाजिर नहीं है। बड़े बड़े बहादुर और बड़े बड़े वीर, ये ऐलान कर दो शेख सैयद मुगल पठान अथवा राजपूत, जो भी कोई कौम का अमर सिंह राठौर को जेरे जबर मैदाने जंग में लड़कर गिरफ्तार करके लाएगा, उसे हमारी तरफ से बारह गाम इनाम और फौज का अफसर बढ़ा दिया जाएगा। अहले दरबार को यह आगाह किया जाता है, जो भी कोई सरदार बहादुर और अमर सिंह को बहादुरी के साथ गिरफ्तार करके लाएगा, उसको बारह गाम इनाम कुल फौज की तरफ से बारह गांवों की इनाम दी जाएगी और उसे पैसालार बना दिया जाएगा। शेख सैयद मुगल पठान कोई भी हो। आप लोग नहीं जा सकते हो क्या? नहीं, हम नहीं जा सकते। क्यों? वो एक बहादुर है, उसको पकड़ना कोई हंसी खेल नहीं है। बहादुर तुम नहीं हो? नहीं, अमर सिंह के मुकाबले नहीं है हमें। अच्छा, ये क्या ऐलान है बताइए, फिर दोबारा कहिए। शाहजहां ने ऐलान कराया है, जो भी सरदार अमर सिंह को बहादुरी के साथ गिरफ्तार करके लाएगा, उसको बारह गांव में नाम कुल फौज की तरफ से सिपह सालार बना दिया जाएगा। हुजूर अली देख लिए सवाब के और पड़े सूरवीर सुल्तान, ये उठा कौन तलवार को जापना मैं करता हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, राजपूतों में तुमने एक बहादुरी का नमूना दिखाया है। अर्जुन गौड़ जी, अगर हम भूल नहीं कर रहे हैं तो क्या एक बात पूछ सकते हैं? ना पूछिए। तुम्हारी अमर सिंह राठौर से कोई रिश्तेदारी है? मेरी रिश्तेदारी है हुजूर। हाँ, मेरी जो बहन थी सगी, हाँ, वो मर चुकी है। अच्छा, अमर सिंह राठौर ने गड़बूदी से दूसरी शादी की है। हाँ, मेरी बहन मर गई, अब कोई रिश्ता नहीं है मेरा। यानी बहन के साथ साथ रिश्तेदारी भी खत्म हो गई। खत्म हो गई जी हाँ। अर्जुन गौर, दूसरी शादी कर ली उसने। जो ये बीड़ा तुमने उठाया है अमर सिंह को गिरफ्तार करने का जी। लेकिन एक बात हम आपको जताए दे रहे हैं कि अमर सिंह राठौर एक बहादुर है और हम बहादुरों की कत्ल करते हैं, उसे जंगे मैदान में बहादुरी के साथ ही गिरफ्तार करके लाना, धोखा मत करना। अगर धोखा किया तो इसका अंजाम जानते हो, मौत जा सकते हो। ठीक है हुजूर। अमर सिंह राठौर मेरा रिश्तेदार था जब था, और एक बहादुर का बहादुर से रिश्ता ही क्या है। आज मुझे मौका मिला है, भाई को भाई नहीं मानता है अमर सिंह, रिश्तेदार को रिश्तेदार नहीं मानता, इतना गरूर है। आज किसी न किसी बहाने से दरबार लाऊंगा, दरबार लाके रास्ते में एक दो तीन कर दूंगा बोल सियावर रामचंद्र की। अब चलता हूँ। मैं बादशाह से ऐलान करके आया हूँ,
सुबह होते ही तुम्हारी राजधानी को तहस नहस कर डालूंगा और साथ में लड़ने के लिए अपने भतीजे राम से को भी ले चलूंगा। अभी राम राम रिश्तेदार। कौन? जीजा जी को पाया दा मेरा झुक झुक साथ मेरी बहन थी। हाँ हाँ तो मैं मतलब आज हंसी आ रही है एक बार। अब ये बताओ का रास्ता भूल करके हमारे आज दरवाजे पर आ गए हो? वही तो सोच रहा हूँ कि बताऊँ तो बताऊँ कैसे। तो आज तुम्हारे चेहरे पर खुशी किस बात की बताओ? आज दरबार में शहंशाह हुजूर ने बुलाया आपको और मुझे बराबर में सिंहासन पे बिठा लिया। वाह दरबार में वाह वाह। मुझसे बोले अर्जुन गौड़ अमर सिंह राठौर तुम्हारे रिश्तेदार। तुमने क्या कहा? मैंने कहा जी मेरे जीजा जी हैं नगद। नगद? हाँ। बे नगद क्या होता? आप ये नहीं जानते मेहमान कह तरह के हों? बताइए। देखो जी मेहमान हों पांच तरह के और मर्द बताए मैंने पहले आठ तरह के। वाह। मैं जीजा जी सुन लो पांच तरह के मेहमान कैसे कैसे होते हैं बताइए किस किस प्रकार के होते हैं? ताकन तड़कन चूरचंद खचमर्दन और गजब गोला। ओहो ताकन क्या? ताकन तो भांजा होता है। अच्छा वो ताकता ही रहता है मामा की ये चीज बढ़िया ऐसे ले जाऊंगा। वाह। और तड़कन नयो जमाई। अच्छा खंडा तो खंडा दो। हाँ और नहीं मेरा तो दूसरो ब्याह है जाए। कहाँ थे? चार बरौली थे। क्यों क्या बात? ये बात ये देखो और? ये देखो मोहर आ गई। मोहर मोहर ना लगन को परोसा गो। तो ताकन तड़कन चूलचंद। हाँ चूलचंद सारो। वो कैसे? बैठक पे राम राम करके बहन के यहाँ पहुँचे गो। वाह। और बहन के यहाँ पहुँच के हाँ चूल्हे पे ही बैठे गो। अच्छा चाहे गरम खवाओ चाहे ताती खवाओ चाहे सीरी खवाओ। वाह। चूलचंद सारो खटमर्दन। खटमर्दन कौन? खाट के मर्द होते समधी। वो कैसे? वो ऐसे होते हैं कि बैठक में बैठ जाएंगे खाट में। अच्छा वो हुक्का में हाथ मारेंगे। हाँ कोई भर देगा तो पी लेंगे नहीं बूढ़े बंदर किस पलक मार करेंगे बैठे। और गजब गोला। गजब गोला क्या है? गजब गोला ये है कि दादी माँ को मेलो तो लगो ना है। हाँ और टेम आएगा तो चलो चले 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 आगे दस बारह जने। हाँ अब कहते भैया घर घर में वहाँ कोई इंतजाम ही ना है ये गजब गोला बने। अरे रिश्तेदारों कैसे आयो मेलो तो लगे ना है। हाँ अजी हम तो घुस देखा डोले घुस ना मिल रहा हूँ। अच्छा 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 शाह तुम पर पसंद है और सुने पर लगा मंद है मिटे कुल झगड़े बाजी रौब बढ़े इकबाल बढ़े मर्दवा बढ़े जी जा 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 सुल्तान को होगी सुनाए कबूल मेरे सामने सुने कपाजी तू नाम न ले चलूंगा बारह गांव में नाम लूंगा किसी ना किसी बहाने से रास्ते में कर दूंगा इसे बहन के पास चलू वो मदद करेगी। अरे मेरी बहन जब ते तू आई तेने मेरा दरवाजा ना देखो। अरे मेरे भैया तेने मैं कबू ना भुलाई मेरी पछ
समा जाए धरती। अरे मेरे भैया ऐसे मत रो भैया, ऐसी बात है गई है बहन ले वो पकड़ ले, मैं कहू कुआ में घुसूंगा ना कुआ कुआ में डूबूंगा, पकड़ ले वो डूबन मत दे, पकड़ मैं डूबूंगा पकड़ आप डूबन मत दे डूबूंगा ना, कुआ ना मिलेगा तो कई नल में घुस जाऊंगा। अरे क्यों घुस रहे हो नल में, अगर तुम नल में घुस जाओगे तो हम भैया किससे कहेंगे। ऐसी बात है गई बहनों को, भैया जी चुप पे जाओ बातें बताओ, भैया जी चुप पे जाओ बातें बताओ। आज दरबार में बहन शहंशाह हुजूर ने मुझे बुलाया फिर और पास बिठा लिया मुझसे, बोले अर्जुन गौड़ मैंने ये सुना है अमर सिंह तुम्हारे रिश्तेदार है। मैंने कह दिया मेरी बहन है नगद नगद और मेरे जीजा जी वो नगद। अरे और मैं तुम्हारे नगद है, उधार किसके होते हैं। और मैं उनको सार हूँ नगद। अरे हाँ सब चीज नगद है, नगद है तो हमारा सुलेनामा करा दो। ठीक है। सुले का बीड़ा चबाया, जीजा जी के पास में आया, जीजा जी को जिक्र सुनाया, जीजा जी को गुस्से ने दबाया और मारा तमाचा। देखिए बहन गड्ढो पर को एक तरफ को है वो सफाया। अरे हाँ भैया बहुत गड्ढा हो गया ये तो, देख लो अब बादल हटवा नहीं, अगर बरसात है जाती तो तमाम पानी गड्ढे में ठहर तो आए। ऐसा तो होने ही नहीं दूंगी। हाँ बहन को बारिश का पानी इस गड्ढे में नहीं बनने दूंगी भैया। का इंतजाम है आपको, दो ट्रोली मिट्टी मंगा के तुम्हारे गड्ढे को मैं एक पटवा दूंगी। हैं? हाँ दो ट्रोली मिट्टी। हाँ और यह एक साल करवावेगी फिर कहे हम कोई दुकान निकालेगी। अरे नहीं इस बारिश का पानी नहीं बनने दूंगी। कृपा कर दे। क्यों नंदू कई रोटी ने चबा ले पानी पी ले। अरे तुम रोटी खाऊ खिलाऊंगी पानी भी पिलाऊंगी, उल्टा बोलते हो हर समय, क्या क्या खोया है। अरे तो एक रुपया दे नोबा दे जाओ लाओ। यूं तो कहीं ना भैया बैठो आपके लिए भोजन बनाऊंगी। कहाँ रह गए रकम ही बहुत, तुम वही छोड़े आए भाभी के पास। मैं जब चलो तेरी भाभी बोली बाहर जा रहे हो रकम ले जाओ, तो तुम वही छोड़े आए। हाँ आ गई यार रकम को मामलो भैया, जगह जगह लिखी रहे जेब कतरों से सावधान, आप भी ऐसे रखोगे रकम कटेगी ना। एक रुपया दूंगो लाली। हाँ रकम को मामलो है हमें चैन खोली है ये उनका ये चैन। लग गया ये उंगलिया काम करे वो खराब है। एक रुपया दूंगा रकम बांध दी है कितनी है लाली। एक दूंगा बस। एक रुपया देने और कितनी रकम बांधी है का देख रही हो। एक रुपया देख रहे हैं भैया है। बहन भैया को रिश्ता ये एक और आई रकम को मामलो है, ऐसे ही रखोगे तो जेब ना कटेगी। भैया एक रुपया देन और कितनी रकम बांध लगी लाली ले। ए, कितनी रकम बांधी है बताओ, तेरी भाभी भी है यही काम। एक रुपया देन और कितनी रकम बांधी है बताओ। ए, मेरा बटुआ बड़ा चमकदार लाली हचका रही रकम है यहाँ में। रकम को मान लो भैया अब क्या आ गए हो ना, एक ही दूंगा बस। रकम को मान लो है देख लो बेटी रकम को मान लो है ये ऐसे राखे करे हाँ बैंड के ले, ले। है ना भैया नो कहते है चौधरी साहब ने बता दिए लालियो है ना ये रकम को मान लो ले लाली जी
जाती थी अकल से देश न मेरी जात और महला बिगड़ी जात है आज बड़ी बनाई बात। ऐसा होने नहीं दूंगी मैं, तुम्हारी बात नहीं बिगड़ने दूंगी, समझा दूंगी उन्हें। आने दो, तुम खाना तो खा लो। खाना? हाँ, बहुत अच्छा खाना बनाया है। क्या बनाया है? खीर बनाई, पूड़ी बनाई। अच्छा, हाँ। आज अरगालू को साग? अरे आज अरगालू सब्जी ना है? अरे गाजर आलू। हाँ गाजर आलू। हाँ। राजीना को पोए तो? अरे उल्टा बोलते हो, पुदीना को राय तो। नहीं, तुम तो उल्टा ही बोलते हो। पहले मुझे तीन वचन दे बहन, मैं तीन वचन दो और तीन वचन दे करके मैं जब तुम्हारा खाना खाऊंगा। मेरा विश्वास नहीं है तुम्हें, मैं तीन वचन देती हूँ। जब तुम्हारे जीजा जी घर पे आ जाएंगे तो मैं समझा के तुम्हारे साथ भेज दूंगी। सारा जोर लगा दिया ना तो फेंक दूंगा पड़े। एक मिनट बस बस आ जाइए आ जाइए। मास्टर जी बोलो बोलो। हाँ जी, देखिए इसके बाद मैं नहीं बोल सकता क्योंकि ये खेल बहुत रोचक हो जाएगा। 500 रुपए श्री बनगढ़ जाटव सुखराम जाटव बोल दिए मैंने, 100 रुपए अमरचंद सेडोली, 100 रुपए सुमेरा जाटव सेडोली, 500 रुपए रतिराम सेडोली, 500 प्रीतम अर्जुन गोड़ी के जाओ क्यों ना नहीं है तो मैं मेरे भाई के साथ जाना होगा। देख इधर देख, आपसे डर रहा है? मुझसे डर रहा है? क्या कमी है मेरे भाई में? तो मैं मेरे भाई के साथ जाना होगा? नहीं जाना होगा। जाना होगा तो क्या? मैंने अपने भाई को तीन वचन दिए। इत प्यारी का प्यार है उत्तराजपुतिया जा तो ए मेरे भगवान तुम दोनों भाई बहन करो मुझे मजबूर चलते हैं। चलो आओ आप लड़ाई के लिए चल रहे हैं या सुलेनामा? आपके साथ सुलेनामा के चलिए चल रहे हैं राजी। हाँ ये ले चल रहे हो तलवार? क्यों जीजा जी जो सुने को चलते हो हथियार। क्यों रख दो? यही रखे। जब राजी खुशी में हाँ। राजी खुशी में सुलेनामा करने जाते हैं हंसी खुशी तो
हथियार नहीं ले जाया करो। चलो हम रखते हैं। हाँ अच्छी प्राणीनाथ थे रो जरा फिर जाना गरीबा महा अशुभ असगुन हुआ सो खोलती हतिया मालूम नहीं होगी सुले होगी वहां तकरारी है दुबदा में है मुतला मुतलक न सब्र करारी है अर्जुन के आने से सुले होने कहो आसारी है क्यों कह के गई दिसरी की है बाजी है रिश्तेदारी है लेकिन समझिए गुण कपल दिखे बुरा आसारी है दरबारी पे जाए जाने वो क्या करे करता है इसे मेरी मानो पिया चाहो न बिन हथियार हथियार बिन जाना कहीं छत्री को कब अधिकार लीजे ये छोटी इसे जे भी मेलो डाली है मौका परी परी काम कुछ ए देगी सरकार है जाते करना प्रभु तेरे अत्यार है क्या बहन तुम्हारी आंखों में आंसू क्या रो रही है सुन तेरे बिना मैं तेरी करो ए उमर में
और हजारी बिरन मुझे बिधवा बना के बिटैयो मती ये बदन भात चोचक के बदी ने कही हार डापे के बस भाई से ज्यादा मानती हूँ। मैं भी वचन देता हूँ, मैं जीजा जी के साथ कोई भी दगा नहीं करूंगा, नहीं करूंगा और करूंगा। मैं यही चाहती हूँ भैया, जैसा मेरा सुहाग ले जा रहे हैं मुझे बेचिंता रहो, कोई धोखा नहीं होना चाहिए। मैं जो कुछ कहता हूँ वो अपने धर्म ईमान से नहीं कहता हूँ। भैया मेरे राखी के बंधन चुकी, ये तो पीछे आई है बहन, फिर नाम तो या राण करूंगा, बिल्कुल राण बना दूंगा। अब खिड़की के रास्ते ले चलू, बस सुलह तो है नहीं, मैंने सुलह का बहाना किया है। खिड़की के रास्ते जैसे ही सर झुकाएगा बस तलवार का वार होगा और एक दुश्मन का बेड़ा पार होगा। आज रिश्तेदार चले, चलिए यही रास्ता है, ये खिड़की है, खिड़की के रास्ते चलना है आपको। रास्ता खिड़की का? जी हाँ। वो सदर फाटक कहाँ गया? वो देखिए, आपकी दहशत की वजह से शहंशाह हुजूर ने बंद करा दिया है, न मालूम कब चढ़ाई कर दिया। अमर सिंह राठौर एक राजपूत है। मैं इस खिड़की के रास्ते से नहीं चलूंगा। क्यों नहीं चलेंगे? खिड़की के रास्ते से चलूंगा तो मेरा आलमपना के लिए सर झुक जाएगा, अपने जीते जी सर झुकाना नहीं चाहता। सर झुकाना नहीं चाहते? बिल्कुल नहीं। शाबाश, आन हो तो ऐसी और शान हो तो ऐसी, शहंशाह के लिए जीते जी सर झुकाना नहीं चाहते। कतई नहीं। राजपूत हो तो ऐसा ही हो, मगर जीजा जी मेरी बहन ने मुझे वचन दिए, वो वापस वचन वापस ले जाओ, जाओ जाइए, आप राजपूत नहीं है, जाओ
वचन दे। वचन दे नहीं टलता हो असल धोखे बाज तू राजपूत का जाया नहीं। अफसोस तूने खौफ कुछ उस भगवान का खाया नहीं। आपकी क्या बात है? छल से कपट से दगा से मारा तो क्या मारा मुझे और धर्म क्या ते कर धर्म कुछ शर्म नहीं आई तुझे। बदकार तूने तो कसर रखी न मेरे साथ में लेकिन बदी पर भी करूं एक नेकी में तेरे साथ में। अब क्या नेकी करेगा मरता हुआ? अर्जुन गौड़ क्या है बोल? अर्जुन गौड़ मेरे पास आओ ना। ये ले कटारी और बस आखिर की जय हर नाम है और रखना हिफाजत से किसी मौके पे आवे काम है। क्या नहीं एक राजपूत की निशानी ले ली जाए। आओ अर्जुन गौड़ आओ 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 अर्जुन गौड़ दरबार चलो। हुजूर इनाम इनाम। अर्जुन गौड़ जी इनाम दे। क्यों 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 क्या सबब मुंह को रखा छुपा हुजूर आली स्वांग तो अमर सिंह राठौर है मगर मेरी जो हालत है वो सुना रहा हूं। मैं यहां से गया और जैसे तैसे मैं उसको रास्ते से लाया। जैसे ही उसने मने किया खिड़की में नहीं चलूंगा सरसा के लिए मेरा सर झुक जाएगा। हुजूर मैंने कहा मेरी बहन ने मुझे वचन दिए बचन दिए किस लिए कि मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। जैसे उसने खिड़की में सर झुकाया क्या किया तुमने? मैंने धोखे से मार दिया।
ही मना किया था कि अमर सिंह एक बहादुर है और हम बहादुरों की कद्र करते हैं, उसके साथ धोखा मत करना। तेने वही किया जो तेरी समझ में आया। नालायक वो तो एक बहादुर था और बहादुरों के बल पर ही हमारी हुकूमत चलती है। अरे तेरा पहलवान भी लगता था, वह कैसा भी था, तेरा रिश्तेदार था। वारे अल्लाह, अरे आज की दुनिया में ईमान की हालत क्या है? अरे निकोर से देखिए इस इंसान की हालत क्या है। मजदूर को देखो मजदूरी में, उसका तन बिक जाता है, मजदूर के तन का जिक्र क्या, मुर्दे का कफन बिक जाता है। मुसलमान कहता है कि हिंदू बुरा है और हिंदू कहता है वो मुसलमान बुरा है। गलत, ना हिंदू बुरा है ना वो मुसलमान बुरा है। आ जाए बुराई पे ये इंसान बुरा है। मजहब जुदा जुदा है, सिला सबका एक है। अरे हिंदू हो या मुसलमान, खुदा सबका। नालायक तेने वो काम किया है, हमारी एक हुकूमत का कोना कमजोर कर दिया बिनामर सिंह। तोबा तोबा क्या किया पाजी बेईमान, अरे धोखे से मारा तेरे मेरे साफीर। जिस अमर सिंह के बल से मैं, जिस अमर सिंह के बल से मैं इस हिंद का सुल्तान बना, अफसोस सद अफसोस जिसको तूने करो दगा किया। ऐसे बहादुर शेर में मुझे कैसे तसल्ली आएगी। जो मारता उसके तई इनाम दे, लड़कर समर मैदान में इनाम कुल देता तुझे, हर मेरी जान से कुर्बान। जैसा किया तूने बदली, ऐसी क्या सजा सीर दूं और कैसा तुझे अफसर करो, कैसी तुझे जागीर। कोई हाजिर है? उन्होंने नाम दे हो, आइए मत बुलाओ। जो तुमने काम किया है उसके मुताबिक इनाम अवश्य दिया जाएगा। एक हजाम को बुलाओ, इसका सर मुड़वाओ और इसके गले में जूतों की माला डाल के, काला मुंह करके गधे पर बैठा के शहर से बाहर निकाल दो। तेरा ये नाम है। अमर सिंह धोखे से मारा गया। मैं तो एक अजमाइश कर रहा था उस बहादुर की। इस नालायक ने वो काम किया जो मुझे कहीं का भी नहीं छोड़ा। क्या करूं? कोई हाजिर है? एक नौ महले तहरीर लिख दो, उसमें ये तहरीर कर दो
कि तुम्हारे चचा धोखे से मारे गए हैं। बजाय हिंदू रवाज के मुताबिक मुसलमानी रवाज के मुताबिक उसे दफना दिया जाएगा। ऐसा क्यों हुजूर, ऐसा क्यों? कि हिंदुओं में जोश आएगा, उनमें से कोई बहादुर जो तेगा लेकर के हमारे सामने लड़ने आएगा, वाह खुदा हम उसको ही अमर सिंह की जगह तैनात कर देंगे। काश को ही नहीं आता है तो खुदा गवाह है, हम हाड़ी रानी को अपने हाथों से जमुना किनारे सती कराएंगे। ये बात किसी तीसरे आदमी को मालूम नहीं हो, अमर सिंह की लाश को तेल के कड़ाह में रखवा दो ताकि वो खराब नहीं हो पाए। कुमार साहब, राम राम। राम राम। लीजिए, पत्र आया है दरबार से। कुमार राम सिंह को मालूम हो उसके चचा धोखे से मारे गए। हाय चाचा, जाहिर जग चारों तरफ राठौरी करी तो क्यों कसका करी के गिरा तो मेरे केहरी। चाची जी, गजब हो गया। क्या गजब हो गया राम सिंह? गोला आ कर गजब का पड़ा अचानक टूट। ए चाची, भगवान ने हम लिए सब तरह लूट। क्या लूट राम सिंह, आगे बोलो। मुझे भागे बालक को देकर दगा, चाचा सुरपुर को करके किनारा गया। ऐसा भेजा है लिख ये खत सहंसाह ने, जिसे पढ़ते मुझे आ हमारा गया। ऐसा जिससे थर्रा कलेजा हमारा गया। तू कहे सो करूं ना कजा से डरूं, मेरे जीने का सारा सहारा।
और पंच किला से किसान मुझे सती करा दे कन्हैया। लगा
आइए, ये पत्र हमारे चाचा बल्लू सिंह के यहाँ पहुंचा दो और इसका जवाब साथ ही लेकर आना। ठाकुर साहब, अजी राम राम साहब, ठाकुर साहब, ये मैं आपके पास में पत्र लाया हूँ। पत्थर लायो? जी हाँ, पढ़ लीजिए और तैयारी कर दीजिए। पत्र लायो? जी हाँ, इसका जवाब मैं ही ले जाऊंगा। हैंड टू हैंड अभी। देवर साहब को मालूम हो तुम्हारे भाई अमर सिंह धोखे से मारे गए। जी हाँ, धोखे से। क्या अमर सिंह मारा गया? धोखे से मारे गए और रिश्तेदार ने मारा। अमर सिंह मारा गया? वाह भैया वैरायटी, वाह भैया वैरायटी, वाह। पीछे हटो। और ये पत्र लिखकर के मेरे पास भेजा है। अमर सिंह राठौर ने कभी मुझे भाई नहीं समझा और आज उसकी पत्नी ये कर्मयित्रिया चरित्र क्या और उसमें लिखे बना करिया। और पहले भी पूछा नहीं करेंगे। नहीं, मना कर दिया। और किया पेस्तर ही मने, सुन भल्लू का नाम चाची किसना मर्द पे लिख के भेजा पे।
जाए जंगीरण जोरू असल भेंद्रज भूत के चाची तुझे सती करा के छोड़ू। चाहे सो करियो कुमार तनक तसल्ली था चाचा का यारी की पगड़ी पलट सुत खास है भगवान का धर ध्यान लिख कत भेज उसके पास है नाम नर से बाज का असली है बिंद पठान का एक कटोरा पानी पे भी माँ वो दे चुका जाने का क्या वो साथ देंगे आफत में देगा साथ वो हरगिज नहीं टलना कुमार आवे ना जो खत देख कह चाहे सो करियो कुमार। चाची जी उनका और हमारे चाचा जी का याराना कैसे हुआ? हराम जी उनका तुम्हारे चाचा जी का याराना कैसे हुआ मैं बताती हूँ। तुम्हारे चाचा जी मेरा गोना करा के ला रहे थे, मेरे साथ एक दासी थी। एक बहुत बड़ा बियाबान जंगल था, उस जंगल में वो बेचारे शिकार खेलने के लिए आए थे और तुम्हारे चाचा जी मेरा गोना करा के ला रहे थे। उन्होंने देखा दूर दूर तक कहीं पानी नहीं मिला, उन्होंने सोचा कि इनके साथ जलाना है, इनके पास पानी जरूर होगा। तब वो तुम्हारे चाचा जी के पास आए थे, एक घूट पानी के बदले में उन्होंने ये वायदा किया था राम सिंह कि भाई जान कोई वक्त पड़े तो मुझे याद करना, क्यों नहीं भगवान हमें वो दिन दिखा देता है। राम सिंह ये पत्र उनके पास भेजना पड़ रहा है, वो जरूर आएंगे, वो कभी मना नहीं करेंगे। राम सिंह जाओ तुम ले जाओ जी पत्रवाहक, ये पत्र हमारे चाचा जी के मित्र नरसेबाज पठान के यहां पहुंचा दो कैथल मंडी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खान साहब बियाबान जंगल में आपने कोई वादा किया था कभी? हाँ वादा तो किया था मैंने। किस तरह से किया था? अपना गोना करा के लेके आ रहे थे ठाकुर अमर सिंह। आप क्या कर रहे थे? उन्होंने मुझे पानी पिलाया था जब मैंने वादा किया था ये। ठीक, ये वादा किया था कोई वक्त आए तो याद करना। जी हाँ आज वही वक्त है। ये खत लीजिए, खत लाया हूँ, पढ़ लीजिए और जो लिखा है तैयारी कर दीजिए। कोई खुशी का पैगाम लाया होगा, बहुत दिन हो गए अमर सिंह ने कोई पत्र भी नहीं भेजा, आज आया है। क्या बात है अब्बा जान सुनाइए, क्या खुशी आई है? अमर सिंह राठौर धोखे से मारा गया या अल्लाह, किसी का नाम अपना बाबा जान शरीफ फरमाए जनाब आपने क्या पाई। किसका कहां से आया नबी रसूल पिसर के सर की अब्बा तुम्हें कसम है। क्या बात है बजान,
किसका खत है? बरखुदार, बहुत गम का विषय है बेटा। क्या बात है, हमें भी तो सुनाओ घर अब्बा जान। कुछ कहते बनती नहीं मेरे बरखुदा अमर सिंह राठौर था, मेरा पगड़ी पलटाया, पगड़ी पलट कर दोस्ती मुशक बनाया था मुझे। एक दिन पिला जल जिसने मरने से बचाया था मुझे। फिर क्या हुआ? सो अमर सिंह दुश्मन हो सहका, वो दगा से मारा गया, औरत ने मेरी ओट ली, ये खत पढ़ तमारा आ गया। जो तू मदद उसको तो मैं दुश्मन बनू सुल्तान का, जो तू दगा दो जख पड़ू कर्जी रहूं एहसान का। यह गद छछूंदर सांप की गम की पिटारी हो रखा, और बेहतर ये निकले प्राण है मैं जीने से आहरी हो रहा। अब्बा जान देखो दास सितम इस कदर से रहे आप दिल में हिम्मत हार, तो क्यों पगड़ी पलट कर आपने उसे बनाया। किसी ने सच कहा है, यार तो सहज बनाना मगर है कठिन बनाना। चलो, जिस अमर सिंह राठौर ने आपको बियाबान जंगल में मरने से बचाया है, आज उसके ऊपर अपने प्राणों को नौछावर करने का मौका है। चलिए चाहे तो उनकी लाश को लाएंगे, नहीं हम भी अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे। चलिए ठीक है बरखुदार, ऐलान कर दो, चलिए दरबार के लिए। अल्लाह
याली हुजूर आज तो नरसेबाज पठान और नबी रसूल दोनों ही आए हैं, कहो तो इन्हें सुना दूं। बोलिए। एक मुसलमान होकर के हिंदू के हमदर्द बनकर आए हैं। जी हाँ, जंग जारी हो। बहुत अच्छा हुजूर अली। सिंह की रखी है, दोनों को एक साथ दफना दिया जाएगा। नबी रसूल कहिए, तेरे बाबा जान मारे गए, नौ मेले में खबर कर दे। ठीक है, सुबह देखेंगे। मैं एक ग्राम दूध पीऊंगा, एक किलो चीनी मिला के। क्या हुआ भाई नबी रसूल? किस्सा ये गम का हुआ, हो नहीं सके बयान। मुल्क दम रुखसत हुए, चाची आपा जान। चाची जी हमारे अब्बा अपना वादा पूरा कर गए। चाची घुसा सो लगो बेटा प्राणी आधा, चाची जी हमें आज्ञा दीजिए। अभी तुम छोटे हो। चाची छोटे ही मन में श्री राम ने फना रावण किया, भेज मुल के अदम छोटे लब कुश ने बांधे वो हनुमान जी, जो गए लील सूरज को लेते
एक तेरे कायम हम दोनों जीत के आना सीधे
सबक को जाना। अल्लाह अकबर जय गणेश। अल्लाह अकबर जय गणेश। आज तो नबी रसूल की सेना और राम सिंह की सेना किले का फाटक तोड़ दिया और सेना अंदर आ गई किले में। फाटक तोड़ दिया इन दोनों बच्चों ने, फौज ने, तमाम फौज आ गई अंदर। अच्छा धातु फाटक जो हाथियों से नहीं टूटता था जी इन बच्चों ने तोड़ दिया। हाँ बच्चों के हाथी ने तोड़ दिया राम सिंह के हाथी ने। तुम क्या कर रहे थे? हम तेल लगा रहे। हॉल बना को सभी पहलवान बच्चों ने किले का फाटक तोड़ दिया, तुम तेल लगाते रहे सभी पहलवान। सभी पहलवान अखाड़े पर तेल लगा रहे थे, हम क्या करें? हमें क्या मालूम थी कि यह फाटक टूट जाएगा? अपनी नजर से देख रहे हो बच्चों को? देखो जी, ये नजर उठा कर देख लो और छिपान की कर दो करना है। जो भी इनके सामने से भाग कर जाएगा उसे हम अपने हाथ से कत्ल कर देंगे। मैं तो छुट्टी लेने आया हूँ। किस बात की? मेरी औरत के बच्चा होने वाला है। क्या आज ही होने वाला है? हाँ ना, वो महीना हो गया पूरा। कौन सा महीना? महीना चल रहा 13वां। क्या बच्चे हो? 13 महीने में बच्चे पैदा होते हैं? वो कह रहा था अब्बा कहीं जाने मत, मेरे मोबाइल का नंबर ले गया है। लाहौल बिलाकुबत लाहौर नंबर ले गया है। ये कह रहा अब्बा कहीं जाना मत, मैं आज ही आऊंगा। चला शेर बुला दिए, बहानेबाजी नहीं चलेगी। बच्चों का सामना करना होगा। करना होगा हाँ। मुझे ही लड़ना होगा। तुम्हें ही लड़ना होगा। बड़े बड़े चर्चे सुने तुम्हारे, नरसेबाज को मारा, भल्लू सिंह को मारा, और आज इनका भी मुकाबला तुम ही करोगे। बेशक जंग जारी हो। ठीक बच्चे हो कहो, अभी रन के फन में दोनों कच्चे हो। अच्छा अब ये समझ लो कि ये आखिरी मैदान चल रहा है। बिल्कुल ठीक है। मेहरबान हो दादी माँ की कृपा से, मैं बड़ा भाव मैं जो है एक दो छह आ जाओ।
मैंने फौज का अफसर किया और फरियाद नबी रसूल को नरसेबाज का ओहदा दिया। कुछ गम न कर चाचा का तू सब रोज रहे आराम में, जागीर बारहे गांव की देता हूँ इनाम में। नाहर मेरे की है कजा जो अगर ऐसी जानता, पाजी सलावत खान की बातें नाहर गिजबा। बेटा मैं तुम्हारे चाचा को तो नहीं लौटा सकता, लेकिन बड़े लोग कहते हैं कि जो चला जाता है वो लौट के नहीं आता। अरे भगत के वो नर नाया कौन से ये बहुत दिन को फिर कत लियो है बसा।